अरे भाई रुक भी नहीं रहे, अरे एम्बुलेंस भी नहीं जाने दे रहे। बेटे सस्पेंड कर दे। ओ भाई वैल्यू पता चल जाएगी ना। तो ये एम्बुलेंस अटक रही। टैंकर। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज की सुबह होती है, मेरे को भैया का कॉल आया कि तेरे को है ना इनविटेशन कार्ड बनाना है। तो अभी सुबह उठ के मैं वही बना रहा हूँ इनविटेशन कार्ड, क्योंकि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा जेनिस भैया के घर गए थे तो उनके घर की ओपनिंग है। तो पहले नाश्ता करते फिर अपन बनाएंगे कार्ड। तो सेटअप तैयार करते अपना पहले। भाई ठंड आ चुकी है भाई, इसकी ज़रूरत है। सो इसको भी रख दिया। एंड भाई अपना सेटअप तैयार हो चुका, बस अभी मेरे को फ़ोन लेकर आना है और अपना चादर। अब नाउ इज सेटअप रेडी भाई। आप सभी 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 सब देख देख पड़े हैं। पूरे 3 घंटे बाद में वो इनविटेशन कार्ड एडिट हो चुका है। सो अभी खाना वाना खाकर अभी मैं ये भाई दिवाली की मिठाई अब खाई है, मतलब पूरी ये पूरी भरी थी, ये मैंने ही पूरी खत्म करी। ये बहुत प्यारी मिठाई लगी मेरे को भाई। ये देखो भाई मिठाई बहुत प्यारी है, मिठाई नहीं है चॉकलेट मिठाई है। Few moments later. भयंकर भाई। जैसे चलते ऊपर देख कर आते हैं, ऊपर से देखेंगे आप क्या। ओह नो बहुत भयंकर जाम हुआ भाई, बहुत गंदा वाला जाम हुआ। एम्बुलेंस आ गई है, अब देखते हैं एम्बुलेंस को जगह देते हैं कि नहीं देते। ये भाई हट जाओ, वो देखो सामने एम्बुलेंस। अरे भाई रुक भी नहीं रहे, अरे एम्बुलेंस भी नहीं जाने दे रहे। गई गई एम्बुलेंस, गई एम्बुलेंस गई। चलो बढ़िया है भाई, एम्बुलेंस तो गई, एम्बुलेंस गई। कुछ पुलिस वाले देखो वो फोन पे बात कर रहा है पुलिस वाला, और उधर ट्रैफिक कितना गंदा जाम है। ये देखो वो एम्बुलेंस अटक रही है यहाँ पे, ये एम्बुलेंस अटक रही। 10 मिनट तो हो गए मेरे को, 10 मिनट से जो ट्रैफिक जाम है यहाँ का पूरा। 2 hours later. So guys, कहाँ गया वो कुत्ता भाई, वो पता नहीं कहाँ गया। So guys, मैं आया यहाँ पे भाई, ये ना जो यहाँ पे कुत्ता रहता है यहाँ पे सोता है वो, उसको ठंड लगती होगी यार, तो मैं इसलिए ना उसके लिए ये लेकर आया था, बट वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तो अभी थोड़ी देर बाद में वापस आएंगे, अभी चलते हैं घर, अभी वो है ही नहीं यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि भाई उसको ये दे दूँ, बट वो है ही नहीं। तो अभी इसके पीछे छुपा हो भाई, नहीं है भाई। तो अभी चलते हैं घर इसको। तो भाई मैंने सोचा ठंड में भाई, अगर आपके घर के आसपास भी कोई सा कुत्ता हो तो उसकी भी ऐसी हेल्प कर दो यार। तुम फालतू तो कुछ भी कपड़ा जो देगा उसको देना ही है, उसको बस रखना ही है। वो इधर ही रहता है अधिकतर, वो रहा। अरे ये तो सो रहा है, ये तो फुल उसके अंदर सो रहा है भाई, गद्दे गद्दे के अंदर सो रहा है। ये तो उड़ा देता हूँ यार। डर गया ये तो। मैंने डिस्टर्ब कर दिया शायद उसको भाई। किसने बोला था? ले 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 ले। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है। मैं तो भाई भलाई करने गया था, ये तो डर गया। क्या हाल आई भाई, कितना हॉट है देख रहा आप, बंदे को कोई वो ही नहीं भाई। सच्ची तेरे को ठंड लग रही है? अरे लड़कियों के साथ घूम रहे थे मतलब तुम, है ना, लड़कियों के साथ घूम रहे थे तुम भाई। मैं इतनी ऊनी, ये देखो भाई इतना मोटा है ना इसका कपड़ा, बहुत मोटा है इसका कपड़ा, और ये बंदा भाई टी शर्ट में घूम रहा है। हॉट है शायद, हॉट। माइक ऑफ था यहाँ से।
भाई और हम पूरा अंदर तो घूम गया, अंदर तो नहीं गए थे, मतलब पूरी इंक्वायरी कर कर आ गए कि भाई 100 रुपए टिकट है यहाँ का अंडर वाटर, अंडर वाटर हम भाई ना गर्मी में भी हमें देखने गए थे और गए अपन कितने दिन थे, हम सलंग गए थे, हम 9 दिन गए थे 8 दिन गए थे, एक दिन हमारी गाड़ी खराब हो गई, एक दिन हमारे अंदर सीन हो गए, एक दिन हम अंदर घूम गए और एक दिन मैं फैमिली के साथ में गया था, बाकी उसके एक दो दिन बाद में फिर मैं उज्जैन चले गया, पर बाकी मजा बहुत आया था भाई घर भाई, तो रोज गए थे, रोज अलग अलग के साथ में गए थे, अलग अलग जगह गए थे, कभी अभिव्यक्ति तो कभी इधर तो कभी उधर, बाकी बढ़िया थी भाई जगह, बढ़िया थी, बाकी भाई इंदौर में बहुत ठंड है और ये हीरो बनने के चक्कर में देखना घर जाके बीमार पड़ेगा, अभी सर्दी सर्दी कर रहा है, स्कूल का सीन समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या करूँ, क्या क्या बात है, क्या बात करो भाई, तुमने इतना ज्यादा शेयर कर दिया जो वो वाला स्कूल के बाहर से बम फोड़ा था, वो वाला व्लॉग आपने इतना ज्यादा शेयर कर दिया कि मैम तक पहुंच गया, और मैम ने वो व्लॉग देखने के बाद में बेटा सस्पेंड कर दिया और मतलब ये बोला है कि स्कूल तो आना मत भाई, तो मतलब उसमें यार मैंने बम फोड़े थे, मैंने माना बट स्कूल के बहुत दूर फोड़े थे भाई, बहुत दूर और बहुत दूर देखेंगे, नहीं भाई यार अगर मैम भाई पहुंचा दे रहे वाला व्लॉग मैम तक, मैम को भाई मैंने सॉरी भी बोल दिया है, वो नहीं भाई ये वाला व्लॉग पहुंचा देना भाई तुम, अगर वो वाला व्लॉग तुमने पहुंचाया है तो ये वाला व्लॉग भी पहुंचाना भाई मैम को, मैम ने कुछ नहीं बोला, मत कर रहा तुम ही था उसमें भाई, उसमें बताया कुछ नहीं बोला, मैंने माना कि भाई वो कुछ बातें मैंने ज्यादा बोल दी, मतलब मैं भाई स्लो स्लो में निकल गई थी और मैंने कुछ ऐसा उद्देश्य करके या किसी को टारगेट करके कुछ नहीं बोला था, ये सब चीजें मैम को बोलना बहुत अच्छी तरह, अरे मैम नहीं समझेगी यार, मैम को मैंने सॉरी भी बोल दिया, मैं मैम को ये बोलना चाहता था कि मैम अब लास्ट के बस 2 या 3 महीने बचे है और पढ़ाई भाई मैथ्स का है, मेरा मैथ सब्जेक्ट है मेरा, उसमें मेरे को दिक्कत आ रही है भाई, स्कूल की बातें करके तो स्कूल में ही ले आया भाई, स्कूल में आ गए गाइस, इसको देख के भले अभी भाई इच्छा नहीं होती आने की बट मेरे को सच्ची पता है 12th बाद में बहुत मिस करने वाले हैं अपन, बहुत करने वाले भाई, तू भी करेगा भाई एक दिन करेगा, जब वैल्यू पता चल जाएगी ना जब करेगा, हाँ तू जाएगा तो क्या हो गया, स्कूल तो स्कूल होते भाई, मैंने तो सोचा है भाई कि है ना भले कितने भी बड़े हो जाए कहीं और शहर में भी क्यों ना चले जाए, जो स्कूल में आने का मजा है ना बड़े होकर आ के फिर मैम को बता के कि मैम हम तो वो वही बंदे थे, हमको हम वही बंदे थे मैम, तो बाकी मैम तो सारी अच्छी है, इससे ज्यादा टैलेंटेड बंदा नहीं देगा वो फंसा दी उसमें क्या बंदा भाई मेरे को लगा दारू की बोतल पड़ी भाई क्या बंदा भाई, बैग उसके अंदर वो पड़ी थी स्वेटर, गाड़ी के अंदर स्वेटर पड़ी है, गाड़ी के अंदर स्वेटर पड़ी फिर भी नहीं पहन रहा, और अभी याद आई उसको कि पड़ी है भाई तो अब पहन रहा है, क्योंकि ठंड लगी है, इतने भी हॉट नहीं हो तुम, दिवाली खत्म डार्क मोड ऑन मेरा, अब क्या दिवाली का वेकेशन तो खत्म हो गए पर प्रोजेक्ट अभी तक हमारे किसी के भी नहीं बने, तो बाकी मैं तो व्लॉग एडिट करने और बनाने में भाई इतना टाइम लग जाता है, ए स्टंट मत करे निकल जाते उनको पीछे कर रही सो भाई मेरा प्रोजेक्ट बना रहा है रोहित, और भाई ये तो मेरे को पता ही नहीं कहा बाकी अभी बज रही है टाइम लेकर नहीं आया, टाइम बज रहा है ग्यारह बज रहा है और अभी हम घूम रहे, कितने बजे से घूम रहे हैं, कितनी बजे से घूम रहे हैं, नौ नहीं रे दस नहीं रे दस भी नहीं साढ़े नौ नहीं, कितनी बजे कॉल करो पता नहीं भाई, टाइम तो पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा है 10 मिनट हुए पता ही नहीं चला टाइम, आधा घंटे 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए तो 10:30 हो जाए 10:13 पे आ गया था तेरे पास, 2 घंटे हो गए पता ही नहीं चला भाई, गाड़ी गाड़ी पे है उतरे तो यही नहीं, एक कदम नीचे नहीं रखा है उतरे तो यही नहीं, गाड़ी गाड़ी पे ही घूम रहे,
पर ठंड तो लग रही है भाई इंदौर में। चलो गाइस प्रोजेक्ट में लिया भाई। सो गाइस फिलहाल घर आ चुके हैं और घर के अभी बज चुकी 12, मेरी भी और घर टाइम भी 12 बज चुकी है। अरे लग जा। सो गाइस बाकी प्रोजेक्ट लेकर आ गए हैं, सो अभी चलते हैं घर, बाकी इस ब्लॉग को भी एडिट करते हैं। आई होप अच्छा लगा, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।